हे हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टू लर्न। सो अभी तक हमने कितना किया है मैं आपको बता देती हूँ। वी हैव स्टार्टेड विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इसी की सीरीज का जो लिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट पॉइंट हमने किया था कि बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद वी डिड वेरियस टॉपिक्स लाइक यस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन वी डिड यू कैन से यस फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके बाद हमने किया फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस करने के बाद हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमने कर लिया है। एंड देन वी डिड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वी हैव डन यू कैन से इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ वेरियस कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाइक कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट कैपिटल, ये सब हमने कर लिया है। राइट अब प्रेफरेंस शेयर का मैंने आपको थ्योरी भी बता दिया है एंड उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम आगे जाते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स पे, कि बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। राइट तो जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं एंड डिबेंचर्स हैं, डेब्ट है, वैसे ही इक्विटी है। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग्स, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू कैन से इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में ऑलरेडी डिसाइड होता है कि आप इतना डिविडेंड देने वाले हैं, बट इक्विटी में ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होता कि आप कितना देंगे। तो उस केस में आपको कैसे पता करना है किसका बेसिक कॉस्ट कैसे आएगा, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके सो आई हैव जूम्ड इट अ बिट एंड आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो। ओके सो यस लेट अस स्टार्ट विथ द बेसिक ऑफ हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। राइट सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू नो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बिकॉज द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड इवन इट इज नॉट नेसेसरी टू पे डिविडेंड। मतलब जब लॉसेस होते हैं, जब कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कमा रही होती, तो आपको इवन जरूरत भी नहीं होती कि आप इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दो। राइट एंड स्टिल देर आर फ्यू मेथड्स, ये सारे लिमिटेशंस होने के बावजूद वी स्टिल हैव सम ऑफ द मेथड्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, दैट इज डेब्ट डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच कंसेप्ट और ईच यू कैन से टाइप ऑफ कॉस्ट वन बाई वन। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। याद रहे हमने सिर्फ और सिर्फ डेब्ट ऐसा था जिसको हम बिफोर टैक्स पहले कैलकुलेट करते थे और आफ्टर टैक्स बाद में, वेयर एज हमारे रिटेन्ड अर्निंग, हमारा इक्विटी कैपिटल, हमारा प्रेफरेंस कैपिटल ऐसा होगा जिसको आप पहले आफ्टर टैक्स में कैलकुलेट करोगे और फिर उसकी उल्टी कैलकुलेशन करके बिफोर टैक्स में जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है, इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको करवाया था इनकम स्टेटमेंट, आई जस्ट शो इट टू यू, जस्ट वन मिनट, इट शुड बी हियर समवेयर। सी दिस इज द इनकम स्टेटमेंट। राइट इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट के बाद हम टैक्स काटते हैं। राइट तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इंटरेस्ट पे करूंगी और उसके बाद टैक्स काटूंगी। तो अगर मैं डेब्ट को कुछ इंटरेस्ट पे कर रही हूं तो वो बिफोर टैक्स कर रही हूं। राइट सो दिस कैलकुलेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ डेब्ट, बट मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को कब पे कर रही हूँ, ओनली आफ्टर पेइंग द टैक्स। सो मुझे उल्टी कैलकुलेशन के थ्रू पता करना पड़ेगा कि बेसिकली जो प्रेफरेंस शेयर्स को मैं दे रही हूँ या प्रेफरेंस शेयर का जो कॉस्ट है वो कैसे जा रहा है। तो पहले मुझे आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मैं उल्टी कैलकुलेशन करके बिफोर टैक्स में जा पाऊंगी। द सेम थिंग इज विथ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि ये अमाउंट सारी टैक्स के बाद में आती है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। सो मेक श्योर आप ऐसी गलती ना करें। पहले सिर्फ डेब्ट ऐसा है जिसको आप पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हो और बाद में आफ्टर, बाकी सारे सोर्सेज ऐसे हैं जिसको आप पहले आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, बाद में आप उसका बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फाइन सो यस लेट अस कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। सो सबसे पहले आप आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करोगे। आफ्टर टैक्स के ई
ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू डीपीएस अपॉन एमपी इनटू 100. अब ये डीपीएस क्या है? डीपीएस इज डिविडेंड पर शेयर. जो भी आप डिविडेंड देने वाले हुए डिक्लेयर कर चुके हैं दैट बिफोर टैक्स के इज इक्वल्स टू डीपीएस अपॉन एमपी इनटू 100 इनटू 1 अपॉन 1 माइनस टी. टी इज टैक्स रेट. सो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स. याद रखना बिफोर टैक्स की हमने उल्टी कैलकुलेशन की है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये तो हो गया हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड. अब अर्निंग यील्ड मेथड, जहां ऑफकोर्स हम डिविडेंड नहीं दे रहे बट देर इज एन अर्निंग. मतलब हम यू कैन से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रहे, ठीक है, बट शेयर होल्डर कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है. अब ऑफकोर्स जब तक मैं डिविडेंड दूंगी नहीं वो अर्न कैसे करेगा? ये आपका क्वेश्चन है और वो लाजमी है. मतलब एकदम सही है आपका क्वेश्चन. बट ऑफकोर्स हम उसको डिविडेंड तो नहीं दे रहे, मतलब ये तो नहीं ना कि जो इक्विटी शेयर्स हमने इक्विटी शेयर्स के जो पैसे हमारे पास हमने उसको यूज नहीं किया. यूज करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाया ही होगा. तो वो पर्टिकुलर अमाउंट से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, वो पर्टिकुलर इक्विटी से मेरी कितनी अर्निंग हुई, मैं उसकी बात कर रही हूँ. सो दैट इज कॉल्ड अर्निंग यील्ड मेथड. सो अर्निंग यील्ड मेथड में मैं आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करूंगी. के ई आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 एंड बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू के ई बिफोर टैक्स के सॉरी ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 1 अपॉन टी. EPS means earning per share, market price, T is tax rate. I hope that is clear. अब dividend yield plus growth method, जो last है. We have three methods here, dividend yield, earning yield, dividend yield plus growth method. उसके लिए क्या करना है? After tax, before tax, वही reason, same reason. KE after tax, KE before tax. DPS upon market price into 100 plus G. और अगर before tax आपको calculate करना है, तो KE before tax is equals to DPS upon market price into 100 plus G. That is 1 upon bracket में 1 minus T. DPS, dividend per share, MP, market price, T, tax rate. जी जो यहाँ नया आया है दैट इज ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स हर साल एक ग्रोथ होती है शेयर होल्डर्स की, कि पिछली बार ठीक है मुझे 10% आपने डिविडेंड दिया था बट इस बार शेयर होल्डर चाहेगा कि 10% से ज्यादा मिले, राइट? सो दैट इज द ग्रोथ रेट विच शेयर होल्डर इज एक्सपेक्टिंग, राइट? तो वो हमें देना जरूरी है. सो दिस इज डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल्स ऑफ दीज. सो I don't think so there will be a problem, but if still there is a problem, please do let me know. I'll help you out. And अगर आपको ये videos अच्छे लगते हैं तो आप अपने friends के साथ share कर सकते हैं ताकि उनकी भी help हो जाए, first thing. Second thing, अगर इस video से आपको मतलब ट्यूशन्स नहीं जाना पड़ता या यू कैन से आपकी किसी भी तरह मदद होती है एंड यू वांट टू हेल्प मी आउट, सो यू कैन डू वन थिंग. आप पेटीएम से कोई भी अमाउंट डोनेशन के जरिए किसी भी तरह से आप पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं. आइदर इट कैन बी एनी अमाउंट विच यू लाइक. सो दैट विल हेल्प मी टू ब्रिंग अप मोर कंटेंट, मोर वीडियोज, परचेज मोर बुक्स, बाय अ गुड कैमरा समथिंग, उस तरह से. सो Whatever you can do, it's okay. And इसके अलावा आपको कोई doubt हो, कोई problem हो, तो please मुझसे पूछे. I would be really happy to help you guys. इसके notes PDF बनाकर मैंने upload कर दिए, scanned copy है, वो आपको description box में मिल जाएगा. इसके ही पहले के videos वो आपको description box में मिल जाएंगे. इसी के practical questions solved किए हुए हैं वो भी आपको नीचे description box में मिल जाएंगे. So please एक बार कोशिश करिएगा, आपको सारी चीज़ें नीचे description box में मिल जाएंगी. By chance नहीं मिलती हैं तो आप मुझे comment कर सकते हैं, but please पहले एक बार description box में जाकर देख लीजिए. Second thing, you can follow me on Facebook, Instagram, Twitter and Unacademy as well. And मैं verified educator हूँ on Unacademy. जितने भी लोग UGC net के लिए prepare कर रहे हैं वहाँ मेरा plus course चल रहा है. और अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो प्लीज बहुत जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जून में रिवीजन सेशंस आने वाले हैं एंड उसमें अगर सीट्स भर गई तो फिर आपको शायद चांस ना मिले. सो मेक श्योर आप जितने जल्दी ज्वाइन कर सके करें एंड यू कैन यूज माय रेफरल कोड टू गेट 10% डिस्काउंट. सो मेक श्योर आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करें ताकि 10% डिस्काउंट का आप फायदा उठा सकें. सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेरी हार्ड एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो. बाय बाय, टेक केयर.